दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा के इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है। जैसा कि अगर देखा जाए, देख पा रहे हैं रिजल्ट के आधिकारिक घोषणा आज। आखिरकार अगर देखा जाए, जितने भी अभ्यर्थियों ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था और फाइनली उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया, तो ऐसे अभ्यर्थी लगातार बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप हमेशा सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं कि भैया आखिरकार हमारा रिजल्ट कब आएगा, कोई तो ऑफिशियल नोटिस मुझे दिखा दे। नीचे यहाँ देखिए, हालांकि अगर देखा जाए, इस पर तो चर्चा हम करेंगे कि आखिरकार रिजल्ट आज कब तक आ सकता है। इतनी गई कट ऑफ, बिल्कुल कट ऑफ को हम ऑफिशियली तौर पर आपके बीच में दिखाएंगे। नीचे यहाँ लिखा जा रहा है कैसे चेक करें अपना रिजल्ट, जितने भी अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती परीक्षा को दिए थे और वो फाइनली डीबी के लिए सेलेक्ट किए गए, तो वो अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में लेखपाल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली अगर हम बात करें, जहाँ तक सूचनाएँ मिल पा रही हैं, कुछ अभ्यर्थी आज की डेट में यूपी ट्रिपल एससी आयोग गए थे और काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आज हमारा रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा। तो फाइनली ये चीजें सही भी हैं कि अब से आप नोट करिएगा कि 24 घंटे के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपके बीच में होगा। मैंने आपसे बताया था कि 31 तारीख तक जो है चर्चा का विषय है, ठीक है, फाइनली आज और कल में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अभी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई है। अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आती है तो चैनल पर आप बने रहिएगा, चैनल के माध्यम से हम आपको सूचित जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये 99% उम्मीद है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। सवाल उठता है कि आखिरकार कितनी गई कट ऑफ, तो हम आपके बीच में कट ऑफ को दिखाना चाहेंगे। देखिए आपके बीच में कट ऑफ लगी है, यही कट ऑफ हम आपके बीच में हमेशा दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये कट ऑफ बिल्कुल फैक्ट भी है, देख पा रहे हैं। जनरल की कट ऑफ जो है 32 से 71 सीटों पर जो है 68 से 79, ओबीसी की 2074 सीटों पर 77.50 से 78.25, ईडब्ल्यूएस 798 सीट हैं और इनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 78 से 79, फीमेल की कट ऑफ 1604 सीटों पर 77 से 78 और एससी की कट ऑफ 1690 सीट पर 75 से 76 और एसटी 152 जिसमें 67.75 से 69 और सर्विसमैन की कट ऑफ 387 और इनकी जो सीट है यहाँ 387 सीटें हैं और इनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 68.5 से 69.5 और नीचे फ्रीडम फाइटर 149 सीटों पर 72 से 73 फाइनली इनकी कट ऑफ जाती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों को इस कट ऑफ पर थोड़ा सा एतबार नहीं होगा, एक चीज़ नोट करिएगा, आप इस कट ऑफ को स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, रिजल्ट आपका ज़्यादा दूर नहीं है, फाइनल कट ऑफ भी घोषित किया जाएगा, इस कट ऑफ से मिलान करिएगा, फाइनली आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है, इससे ज़्यादा आप कट ऑफ को नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, आप प्लस माइनस जो है प्लस माइनस 1-2 आप कर लीजिएगा, इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, ठीक है। अब यहाँ जो है रिजल्ट आप अपना कैसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट चेक करने के लिए आपको UP3SC Government.in की वेबसाइट पर विजिट करना होगा या तो SarkariResult.com से भी आप अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप अपना एडमिट कार्ड सर्च करके रख लीजिए, जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही रिजल्ट जारी होगा तत्काल हम चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। यहाँ नियुक्ति पत्र के लिए, आप नियुक्ति पत्र के बारे में पूछ रहे हैं, भैया नियुक्ति पत्र में विलंब हो सकता है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया है इस भर्ती को फाइनल करने के लिए लगातार जो है बड़े स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं और पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश जारी हो चुका है कि लेखपाल की सूबे में भारी भरकम कमियाँ हैं, एक एक लेखपाल के भरोसे कई ग्राम सभा के काम हैं, ठीक है। ऐसे में
ये मानकर चलिएगा कि 100% जो है नियुक्ति पत्र का जहाँ तक सवाल है, लोग चुनाव का अड़ंगा बता रहे हैं कि चुनाव में नियुक्ति पत्र फंसेगा, ऐसा होगा। देखिए, बहुत तरह की भ्रामक खबरें आपके बीच में तमाम चैनल से आपको मिलती रहती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कहीं भी किसी भी चैनल पर विजिट करें, देख लें जो है, अगर ऑफिशियल नोटिस है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और नियुक्ति पत्र का जहाँ तक सवाल है, मैंने आपसे कहा है चुनाव से पहले हर हाल में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। आज या कल में रिजल्ट आता है तो ये मानकर चलिएगा कि जनवरी के लास्ट और फरवरी के जो है सेकेंड वीक तक 100% आपका जो नियुक्ति पत्र है वो आपको हाथे में मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ जितने लोग फाइनली रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके रिजल्ट के इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत जल्द समाप्त होने जा रही हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा चैनल पर आप बने रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।